रुक करते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 17 की ओर, जहां पर विशेष तौर पर आपको बता दें कि नगर सेविका मीना कृष्णकांत कल्याणप के नेतृत्व में जरूरतमंद मजदूरों को, गरीबों को अनाज वितरण किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर लोगों को वितरण करने के लिए पहुंचे थे भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी। एक तरफ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को एक निर्देश दिया कि हर घर जाकर जो जरूरतमंद मजदूर है, गरीब है, उन्हें अनाज वितरण करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में 50,000 से भी अधिक जरूरतमंद मजदूरों को अनाज वितरण किया जा रहा है। तो वहीं पर वार्ड क्रमांक 17 की नगर सेविका मीना कल्याणप ने भी एक संकल्प लिया और आप देख सकते हैं कि जो जरूरतमंद मजदूर हैं, गरीब हैं, उन्हें घर घर जाकर भी वितरण किया जा रहा है और विधायक महेश चौगले, संतोष शेट्टी के हाथों से भी वितरण किया गया। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले और साथ ही साथ भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कृष्णकांत कल्याणप, जो कि पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में क्या कहा, देखिए इस खास एपिसोड को। एक कार्यकर्ता, एक एक हर पक्ष के लोग ये कोरोना जैसे बीमारी को भगाने के लिए सब बाहर निकले हैं और इसके लिए बहुत सारे लोग इधर उधर फंसे हैं और कुछ लोग यूपी बिहार, क्योंकि भिवंडी ऐसा एक शहर है जहाँ पूरे देश के अपने लोग इधर बसे हैं, तो कोई फैक्ट्री में फंसा है, कोई लूम में फंसा है, कोई किसके पास रेशन कार्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो सब लोग यानी सब पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ ये कोरोना जैसी बीमारी भगाने के लिए जो जो सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं वो गाइडलाइंस के ऊपर सब तो मदद कर रहे हैं। तो इसमें भी पद्मानगर ऐसा एक क्षेत्र है, पद्मानगर में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो इधर कितने भी लोग आएंगे तो कम गिरेंगे, क्योंकि इतनी लोक संख्या इधर है और सब गरीब है, इस पर झोपड़पट्टी वाले ही है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं कोई अभी तक आ नहीं रहे। लेकिन फिर भी इधर के नगर सेवक के हुआ, हमारे पार्टी के तरफ से संतोष शेट्टी हुए, के ने आज उसके तरफ से एक 500-600 गरीबों को पैकेट दिया है, उसमें चावल दाल बिल उसके हिसाब से गरीबों को जो 5-6 दिन का राशन है वो उन्होंने दिया है। तो मैं इससे पहले उसके के पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो, क्योंकि आप जैसे लोग रहेंगे तो ही अपना समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने जो सूचना दी थी, प्रदेश के अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे यहाँ के खासदार आमदार महेश चौगले और पूरी टीम एक बहुत अच्छे तरीके से काम, आज जो देख रहे हर जगह नगर से जितने बीजेपी के उनको जैसे डायरेक्शन दे दिया गया वैसे उन लोग चालू किया। आज के साहब ने हमारा एक बहुत अच्छा का और एक नियोजन किया कि ऐसे टाइम में एक एक नियोजन हम लोग कर रहे हैं कि आगे चल के दो चीज़ से लड़ना है, एक कोरोना से, एक भूखमरी से। अब भिवंडी जो क्या इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें हर समाज से लोग रहते हैं और बहुत को रेशन कार्ड नहीं है, तो मैं तो यही बात बोलूँगा दो चीज़ से लड़ना है, लेकिन पहले कोरोना से बचना है, भले दो दिन भूखा रहकर चलेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे व्यवस्था किया है। कोरोना से इसलिए बचना है कि जो कोरोना बीमारी है ये लग ना जाए, इसलिए जास्ती जैसे मास्क का जो FR हो सकता है डालना चाहिए। और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी जिले से हर घर में कॉल सेंटर को हर घर में जाके दे रही, ये भी जो नियोजन किए इन्होंने, किसको आने जरूरत नहीं, हमारे भारतीय जनता कार्यकर्ता नगर सेवक के नेतृत्व में घर घर जाके देंगे मंडल। जब से अपना देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन का विषय निकाला, ये अपना कोरोना महामारी के इसमें आज लॉकडाउन जब से हुआ तब से आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सभी ने कि पार्टी का आदेश के हिसाब से सब नगर सेवक लोग और कार्यकर्ता, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष लोग सब ने ये धान्य वाटप के कार्यक्रम में लगे लिए। ऐसा हमारा भिवंडी जिला कार्य के नेतृत्व में कम से कम 50,000 लोगों को पहुँचाने का, धान्य पहुँचाने का कार्यक्रम चालू है। वैसा आमदार साहब ने भी वैसा कार्यक्रम चालू रखा, कादर साहब ने भी वैसा ही कार्यक्रम चालू रखा। उसी नेतृत्व में मैं थोड़ा मेरा छोटा सा सहकार्य रहने के लिए मैं भी ये धान्य का देने का विचार रखा हूँ। वैसे ही अभी अन्ना का नेतृत्व में
जैसा बोले वैसा घर घर पहुँचाने का। इधर हम लोग आज थोड़ा लोग को दे के फिर एरिया में जिनको ज़रूरतमंद लोग को ये जितना भी दान्य वाटप का कार्यक्रम है अभी फिलहाल गरजू लोगों को दे रहे हैं हम लोग। वैसे ही उसके बाद अपना गवर्नमेंट के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से राशन कार्ड जितने भी हैं उनको भी देने वाले, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम लोग फॉर्म भर के उनको भी दिलाने वाले हैं। बस इतना ही है, जनता से आह्वान करता हूँ कि गर्दी ना करे और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। इतना मैं आह्वान करते हुए ये धान्य जो है भूखा नहीं रहने के लिए वैसा हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरा पूरा सहकार्य करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।